मनी चैप्टर की। एग्जाम्पल लेंगे बेटा, फाइंड द टोटल मनी। आपको ये मनी की पिक्चर्स बनी हुई है, आपको निकालना है कि ये टोटल मनी कितनी आएगी। हमें इन सबको ऐड करना है। अब जब आप पैसे काउंट करते हो, जब आप नोट काउंट करते हैं, आपके पेरेंट्स काउंट करते हैं, तो वो कॉपी पे लिख के तो नहीं प्लस करते ना बेटा, ओरल काउंट कर लेते हैं ना, 520 और ये सब ओरल काउंट कर लेते हैं। तो ये ओरल काउंट करना, ऐड करना मनी आपको भी आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा 500 में 100 प्लस करेंगे कितना हो गया 600, 600 में हम 50 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 650, ठीक है 650 हो गए यहां तक। उसके बाद 650 के बाद 2 रुपीज है तो 652, फिर 1 रुपीज है तो 652 हुआ था ना, 653। तो कितने हो गए टोटल मनी आपकी 653, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, आप मेरे साथ साथ प्लस करो, वीडियो को पॉज करके इनको प्लस करके देखो कि आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर वीडियो ऑन करो, देखो कि मैं सही बता, जो मैं बता रही हूं वही आ रहा है आपका आंसर, भी कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो 100 में हमने 20 प्लस किया तो कितना हो गया 120, 120 में 10 प्लस किया तो कितना हो गया 130, 130 में 5 प्लस किया तो कितना हो गया 135, आपका हो गया 135। अब 2 रुपीज और प्लस करना है तो 135, 36, 37, तो कितना हो गया रुपीज 137। नेक्स्ट है आपका रुपीज 2000, 2000 और कोई नंबर नहीं है 2000 का, तो बेटा 2000 तो पहले ही लिख दो, 2500 हो गए, तो कितना हो गया 2500, फिर 50 आ गया 2550, 2550, फिर 2000 को बेटा पहले ही लिख लो, अदरवाइज कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। एक तरीका बता दूं, 2500 फिर 2550, 20 और है 50, 60, 70, 2570, फिर 10 और है तो 2570 के बाद 80, 2580 हो गया। आप वैसे क्या कर सकते हैं कि आप 2000 को पहले लिख दो, फिर उसको बार बार ओरल मत बोलो, 2000 पहले लिख दिया उसको छोड़ दो, 500 और 50 कितना हो गया 550, फिर 20, 550, 60, 70, 10 और है 500, 50, 60, 70 और 80। दोबारा से देखो, 2000 ने पहले लिख दिया 550, फिर 20 जोड़ा, 50 में 20 जोड़ा 550, 560, 570, ठीक है, फिर 10 और जोड़ा तो 570 था ना, उसमें 10 और जोड़ दिया तो क्या होगा 580। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे 2000 अगर होता है तो 2000 वाला नंबर पहले लिख दो और उसके बाद 100 के बाद का प्लस करो। नेक्स्ट देखो 500 और 100, 600 हो गया, फिर 620 हो गया, 605 रुपीज है, 625 हो गया, फिर 626 हो गया, तो क्या हो गया आपका 626। अब ये तो पैसे है, तो पैसे कहां आएंगे पॉइंट के बाद, ठीक है पॉइंट के बाद आएंगे आपके पैसे। दोबारा से बता रही हूं, 500 और 100, 600 हो गया, फिर ये 20 है तो 620, फिर हो गया 625, फिर 1 रुपीज है 626, वी राइट 626, ये पैसे हैं तो पॉइंट के बाद है, ठीक है। नेक्स्ट हम
बच्चों ये थर्ड क्लास की एक्सरसाइज 10.1 के एग्जांपल्स है और क्लास फोर्थ की बेटा एक्सरसाइज 11.1 के एग्जांपल्स है। ये ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपके 10.1 में है और फोर्थ की 11.1 में है, इसी से सिमिलर क्वेश्चंस। मैं आपको ये एग्जांपल्स करवा रही हूं उसके, आप सिमिलर इसी तरीके बहुत इजी है, ये हमने ऑनलाइन क्लास में भी कर लिए। ये कन्वर्ट इट टू पैसा, वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो हम ये तो बेटा रुपीज है 35 और 28 क्या है, 28 तो ऑलरेडी पैसे ही है ना, 35 आपके रुपीज है और 28 आपके पैसे हैं, तो हम 35 को तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 28 को प्लस कर देंगे। 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जीरो आगे लग जाएंगी, बस कोई टेबल नहीं पढ़नी, कुछ नहीं करना, 2 जीरो इसके आगे लग जाएगी बस। अब ये 28 तो पैसे है ना, इसे हम प्लस कर देंगे और आंसर इज 3528 पैसे। ठीक है, ऐसे ही ये भी होगा, 7 रुपीज है और 9 पैसे है, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, बस 7 के आगे 2 जीरो लग जाएंगी और हम 9 को प्लस कर देंगे। दो जीरो से इसको भी 100 से इसको डिवाइड करेंगे और फाइंड कहां